सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन वो कोशिका विभाजन है जो सिर्फ कायिक कोशिकाओं में घटता है। किसी भी सजीव प्रजनन कोशिकाओं को छोड़कर अन्य कोशिकाएं कायिक कोशिका कहलाती है। जब हम समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो हमें एक बात याद रखनी जरूरी है कि इसमें कोशिका अपने आप को दो कोशिकाओं में विभाजित करती है जो बिल्कुल मूल कोशिका के समान होती है। दो समान संतति कोशिकाओं के निर्माण के लिए जनक कोशिकाओं को डीएनए को, इस प्रक्रिया को प्रकल विभाजन कहते हैं, और कोशिका द्रव्य, इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य का विभाजन कहते हैं, विभाजित करना पड़ता है। समसूत्री विभाजन का उद्देश्य नई कोशिकाओं का विकास और खराब कोशिकाओं की मरम्मत या फिर पुनर्निर्माण है। कोशिकाओं के विभाजन के अलावा कोशिकाएं जिस अवस्था से जाती हैं उस अवस्था को इंटरफेस कहते हैं। इसमें प्रथिन और अन्य कोशिका अंगों को तैयार करते हुए कोशिकाएं आगे बढ़ती है और उसकी संख्या में भी वृद्धि होती है। कोशिकाओं के जीवन चक्र में तीन मूलावस्थाएं होती है, एक इंटरफेस, दो प्रकल विभाजन या केंद्रक का विभाजन, और तीन परिकल विभाजन या जीव द्रव्य का विभाजन। जैसे हमने पहले चर्चा की है, इंटरफेज में प्रथिनों की निर्मिति द्वारा और अन्य कोशिका अंगों की निर्मिति द्वारा कोशिकाएं बढ़ती है और उनका आकार भी बढ़ता है। इस अवस्था में केंद्र गहरे रंग का हो जाता है और गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। इसके अलावा अन्य जैविक संश्लेषण भी होते हैं जिससे कोशिका की पाचन क्रियाएं भी बहुत तीव्र हो जाती है। केंद्रक के विभाजन की अवस्था चार अवस्थाओं में विभाजित की गई है। PMAT ये उसका लघु रूप याद रखने के लिए आसान है, जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज, इससे बनाया गया है, अर्थात पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। चलिए जानते हैं कि इन अवस्थाओं के दौरान क्या क्या होता है। पूर्वावस्था, कोशिका को इस बात का अनुमान हो जाता है कि अब विभाजन का समय पास आ गया है, इसलिए सबसे पहले उसे इस विभाजन के लिए तैयार होना पड़ता है। उसे डीएनए का प्रतिरूप करना पड़ता है, कुछ टुकड़ों को ठीक जगह पर रखना पड़ता है, जैसे तारक केंद्र, अर्थात सामान्यतः कोशिका को समसूत्री विभाजन के लिए तैयार रखना पड़ता है। केंद्रक आवरण और केंद्रिका लुप्त होने लगती है। इंटरफेज के दौरान निर्मित क्रोमेटीन, वलीभवन और पानी की कमी के कारण अब वे लंबाई में छोटे और आकार में मोटे हो जाते हैं। गुणसूत्रों का प्रतिरूप होता है और अब वे अर्धगुणसूत्र जोड़ी, डीएनए के दो समान दिखने वाली जोड़ियां जो गुणसूत्र बिंदु पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है के साथ दिखाई देते हैं, जो तारक का इस समान बिंदु पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पूर्वावस्था के अंत में गुणसूत्र मोटे डंडे समान संरचना में दिखाई देते हैं और केंद्रका आवरण और केंद्रिका पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है। मध्यावस्था, सारे टुकड़े बड़े विभाजन के लिए एक पंक्ति में आकर खड़े हो गए हैं। डीएनए विषुववृत्तीय प्रतल के आसपास पंक्तिबद्ध हो जाता है और तारक केंद्र विशिष्ट प्रकार की छोटी नलिकाएं भेजता है जो डीएनए के साथ जुड़ जाती है। डीएनए क्रोमेटीन अब घनीभूत होकर गुणसूत्रों में बदल जाता है। दो किस्म के गुणसूत्र केंद्र में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे वे जुड़े होते हैं उन्हें गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। नलिकाएं वास्तविक डीएनए से नहीं अपितु गुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाती है। मध्यावस्था के आरंभ की विशेषता केंद्रकावरण और केंद्रिका का लुप्त होना यह है। इसके साथ कुछ धागों के सदृश, जिन्हें तुर्क तंतु कहते हैं, निर्माण होना शुरू होते हैं जो कोशिका के ध्रुवों से शुरू होते हैं। गुणसूत्र छोटे और मोटे होना शुरू होते हैं। तुर्क तंतु गुणसूत्र बिंदु से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सारे गुणसूत्र कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आते हैं, इसे कॉन्ग्रेशन कहा जाता है, और वो आभासी प्रतल जहां सारे गुणसूत्र एक साथ आते हैं उसे मेटाफिजिक प्रतल कहा जाता है। पश्चावस्था, इस अवस्था से वास्तविक विघटन की शुरुआत हो जाती है। आधे गुणसूत्रों को कोशिका के एक ओर खींचा जाता है और आधों को दूसरी ओर, और जब गुणसूत्र कोशिका की ओर चले जाते हैं तब हम अंत्यावस्था की ओर जाते हैं। इस अवस्था में अर्धगुणसूत्र जोड़ी तुर्क तंतुओं में संकुचन के कारण एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर खींचना शुरू हो जाते हैं।
तुर्क तंतुओं में संकुचन के कारण गुणसूत्र बिंदु लंबाई में एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हर एक क्रोमेटिड के लिए एक गुणसूत्र बिंदु रह जाता है, जिन्हें अब गुणसूत्र कहा जाता है। इस प्रक्रिया को दो अर्धगुणसूत्र जोड़ी के एक दूसरे से दूर जाने की क्रिया का भी सहारा मिलता है। तुर्क तंतुओं में होने वाले संकुचन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्र के दूसरे से विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अंत्यावस्था के अंत तक तुर्क तंतु भी लुप्त हो जाते हैं। जब गुणसूत्रों को तुर्क तंतु खींचते हैं, तब अलग अलग प्रकार के आकार तैयार होते हैं, जैसे जे, वी या फिर आई इत्यादि। अंत्यावस्था, जहां तक आते आते विभाजन खत्म हो जाता है, इस समय केंद्रीकावरण बंद हो जाता है और केंद्रिका दो भागों में विभक्त हो जाती है। अब हमारे पास एक ही कोशिका द्रव्य में दो अलग केंद्रक हैं, जिनमें अर्थात आधे डीएनए हैं। अंत्यावस्था के आरंभ में सारे गुणसूत्र जो ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं, अब खुलने लगते हैं और लंबे होने लगते हैं। इसके साथ पानी का अवशोषण भी शुरू हो जाता है। धीरे धीरे केंद्र का आवरण और केंद्रिका फिर से दिखने लगती है। अंत्यावस्था के अंत तक आते आते केंद्रिका आवरण और केंद्रिका दिखने लगते हैं और क्रोमाटीन का संजाल फिर से दिखना शुरू हो जाता है। अंत्यावस्था के अंत में एक कोशिका द्रव्य में अब दो केंद्रक निर्माण हो जाते हैं। जीव द्रव्य का विभाजन, वनस्पति कोशिकाओं में तुरक तंतु के अवशेष कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। कोशिका द्रव्य दो नए रूप से निर्मित केंद्रिकाओं में विभाजित हो जाती है और नई वनस्पति कोशिका की निर्मिति होती है। प्राणियों की कोशिकाओं में कोशिका का संकुचन उसके परिधि से शुरू होकर उसके मध्य तक आता है, और प्राणियों की कोशिकाओं में जब संकुचन की एक क्रिया मध्य तक पहुंचती है, तब कोशिका द्रव्य दो अर्धसूत्री जोड़ी में विभक्त हो जाता है।